अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो अभी हम लोग बनी से ही हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दरअसल आज मैंने क्या किया है कि मैं बनी को नीचे ले आई हूँ, क्योंकि ऊपर जो थी ना, हमने जाली का और इस तरह का काम करवाया था, तो ये इसके बालों में फंस रहा था। तो मैंने एक दो दफ़ा निकाला, मैंने कहा कहीं इसको कहीं नुकसान ना हो जाए लग कर। तो वो है भी मतलब पतली पतली सी हैं, ख़तरनाक सी हैं, तो मैं फिर इसको नीचे ले आई हूँ। मैंने इसको हनी से अलग कर दिया, क्योंकि हनी इसको बहुत तंग कर रहा था बार बार, और ये वर्र वर्र करती रहती थी। तो मैंने कहा यार इसको परेशान ना किया जाए। और नीचे ये हमने बुरा शुरा डाला था तोतों के लिए, तोतों को भी अलग कर देंगे और इसकी सफाई कर लेते हैं ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी ये जो है नेस्टिंग इसके अंदर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कचरा इतना ज़्यादा है कि ये परेशान हो रही है और अपने आप को साफ कर रही है बार बार। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको इसमें छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है अपने आप को बार बार साफ कर रही है, क्योंकि बुरा जो है उसके ऊपर लग रहा है बार बार। तो हम लोग ना इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ही आराम और प्यार से आपने निकालना है, क्योंकि ये देखें कितनी तंग हो रही है बेचारी। नहीं सॉरी, तंग नहीं हो रही, अपने बाल नोच रही है। बनी बनी तुम एक मिनट रुकोगी? इसका टाइम करीब आ गया। तो सबसे पहले तो मैं ये कचरा मचरा निकालती हूँ ना बाहर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है इस चीज़ से। तो दोस्तों ये मैं आपको खाली करके बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ और मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है, तो व्लॉग बनाना साथ साथ और सफाई करना साथ साथ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये थोड़ी सफाई नहीं है, इसके लिए ट्रेंड चाहिए भाई, जैसे कि मैं ट्रेंड जैसे कि मैं। तो मैं आपको सफाई करके बताती हूँ। तो ये बनी साहब अपना लगी नहीं है, लगा रहने देती हूँ, पहले मैं कोने वाली साइड से करती हूँ, फिर मैं आपको एक ही दफ़ा सफाई करके दिखाऊँगी दोस्तों। तो दोस्तों हर घर की मेन चीज़ झाड़ू, सफाई वाला तो है नहीं, हम इसलिए इसी से ही निकालेंगे। तो हम मिलते हैं आपको सफाई के बाद। अल्लाह अल्लाह करके मैंने सफाई करी है अंदर से, और वो भी बैठ गई है जाके, और इसके लिए भी मैं रुई वगैरह देती हूँ ताकि अब थोड़े से, क्योंकि इसने अभी अभी बाल उतारे थे, वो भी इसी में ये आ गए, ठीक है। तो अब बेचारे कितनी उतारेगी, नंगी तो नहीं हो सकती ना, तो अब मैं इसको रुई देती हूँ ताकि वो उधर अपना घोंसला बनाए। मैंने डब्बा भी सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सफाई करनी थी। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये ऊन जी हमारे पास है, कपड़ा है, तो मैं ये रख देती हूँ ताकि इसको मसला ना हो, बाकी थोड़े बहुत बाल जो है वो कर कुर के ये घोंसला बना लेंगे। तो ये जो है ना ये काफ़ी नरम है, और बच्चों के लिए जो है ये ठीक भी होगा, तो इसीलिए मैं जो हूँ इसको कर लेती हूँ, और यहाँ पे घोंसला बना दी। बने ये लो, मैं तुम्हारे नेस्टिंग कर दी है, बाकी तुम कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी डाइट का ख्याल रखना, जो कि मैं अभी लेकर आती हूँ। अब शापर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दे दो मुझे, ये क्या किया है, पाँव में शापर फंसाया हुआ है। आगे हो ये जो हमारे तोते हैं, इन्होंने बहुत ही आराम किया हुआ है, और इनको जो है अभी मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि बहुत जलील है, काटते बहुत जोर से, तो मतीन भाई जब उठेंगे वो इनको निकाल लेंगे। और इसकी डाइट का हम ख्याल रखेंगे, केले लेकर आए हैं, केले खिलाएंगे और साफ पानी भी। खा लो यार, खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। ये लो पीछे दादी खा ले। अभी मेरे ख्याल से इसका दिल नहीं खा रहा, थोड़ा बहुत खाया है इसने। तो दोस्तों बनी अभी खा नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये केले जो है तोड़ तोड़ के इसके रख दिए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे, सारे दुआ कीजिएगा प्लीज, मेरी बनी सेफ रहे और अच्छे से वो करे। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।